नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कईल जाए। बिहार के नीतीश कुमार सरकार एगो बड़ कदम उठावत जाति जनगणना के आंकड़ा जारी कर देले बड़े। नीतीश सरकार के एह कदम का चलते बहुते राजनीतिक दलन के आपन रणनीति बदले के पड़ सकेला। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के आबादी 36% बेहद पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% अनुसूचित जाति अबूरी, 1.68% अनुसूचित जनजाति के आबादी से तनिका ज्यादा बा। सोमवार के भयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतावल गईल कि बिहार सरकार जाति जनगणना पूरा का ले बा। मुख्य सचिव अबूरी बाकी अधिकारी एकर रिपोर्ट जारी कैले। बिहार सरकार के कहनाम बा कि राज्य में जाति के आबादी 13 करोड़ से ज्यादा बा। अधिकारी के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13,07,25,310 बतावल गईल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 2 अक्टूबर के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचले। यहां उ 7,000 करोड़ के परियोजना के उद्घाटन अबूरी शिलान्यास कैले। एकरा बाद पीएमजी जनसभा के संबोधित कैले। मोदी कहले, कांग्रेस झूठ बोल के सरकार जरूर बनवलस, लेकिन ना चला पवलस। बैठल उठत सुतत और जागत घरी मुख्यमंत्री गहलोत मुख्यमंत्री के कुर्सी बचावे में व्यस्त रहले। अबूरी आधा कांग्रेस उनुका के कुर्सी से हटावे में व्यस्त रहले, लेकिन लूटपाट के मामला में पूरा कांग्रेस एकजुट रहल। हम बहुत दुखी दिल से कह रहल बानी कि जब अपराध के बात होखे त राजस्थान सबसे ऊपर आवेला। अराजकता दंगा पत्थरबाजी के बात होखे त हमनी के राजस्थान बदनाम बा। महिला पर भईल अत्याचार, अबूरी दलित पर भईल अत्याचार के चलते हमार राजस्थान बर्बाद हो गईल बा। राजस्थान बड़ा भरोसा अभरोसा के साथ कह रहल बा, भाजपा आके दंगा रोक दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अतवार का दिने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला किलन। उ कहले कि भाजपा सरकार 2 महीना खाती मेहमान बाड़े। राज्य सरकार के आलोचना करत कमलनाथ कहले कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के कवनो सीमा नहीं खे, व्यवस्था भ्रष्टाचार के व्यवस्था बन गईल बा। मध्य प्रदेश के हर आदमी या तो भ्रष्टाचार के गवाह बा या फिर भ्रष्टाचार के शिकार बा। पैसा दे काम मिल जाए, इहे उनुकर नारा बन गईल बा। कमलनाथ रविवार के राज्य के राजधानी भोपाल में आयोजित राजक समाज के महासम्मेलन के संबोधित करत रहले। अपना संबोधन के दौरान कमलनाथ सीएम चौहान पर आरोप लगवले कि वो बहुत घोषणा कैले अबूरी बाद में भुला गईले। वो कहले कि शिवराज सिंह के घोषणा मशीन दुगुना गति से चलता, मुंह ना बंद होला, झूठ बोले में लाज ना लागेला, इहे हाल बा शिवराज सिंह के। दिल्ली पुलिस सबसे वांछित आतंकी शाहनवाज उर्फ शफी उज्जमा के गिरफ्तार कलेले बा। उनुका संगे दुगो अबूरी आतंकी के भी गिरफ्तार कैल गईल बा। दिल्ली पुलिस सोमवार का सवेरे ई जानकारी दिहलसी। पुलिस के कहना बा कि शाहनवाज के ISIS मॉड्यूल यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़ल होखे के आशंका बा। वो उत्तर भारत में आतंकी घटना के अंजाम देवे के योजना बनावत रहले। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल अतवार का रात दक्षिण पूर्व दिल्ली से शाहनवाज के गिरफ्तार कर लिहले। उनुका से आईडी बनावे में इस्तेमाल होखे वाला रासायनिक पदार्थ अबूरी सामग्री मिलल। फिलहाल उनुका से पूछताछ होकता। शाहनवाज पुणे पुलिस के हिरासत से भाग के दिल्ली में रहत रहले। उनुका पर 3 लाख के इनाम रहे। शाहरुख खान के फिल्म जवान कमाई के भारी मशीन बन गिल बा। सिनेमा घरण में चौथा हफ्ता बितावे वाली ई फिल्म अपना कमाई में बहुते बढ़न रिकॉर्ड बनवले बा। बाकिर अभी ले ऊ धीमा होखे के मूड में निखे। फिल्म जवान अब अपना नाम पर एगो ऐसन रिकॉर्ड बना लिहले बा जवना से पिछला 4 साल से केहू मुकाबला ना कर पवलसी। चौथा BFA का दिने शाहरुख के एह फिल्म से 5 करोड़ से अधिका के कमाई भिल रहुए। अब व्यापारिक रिपोर्ट से लागत बा कि शनिचर का दिने एक बेर फेरू जवान के कमाई में बढ़न उछाल आयल बा। 24वां दिन फिल्म के कमाई में 80% तक के उछाल आयल बा। शनिचर का दिने एह फिल्म के 9 से 10 करोड़ रुपया के कलेक्शन भिल बा। फुकरे आ फुकरे रिटर्न्स के सुपर सफलता का बाद मृगदीप सिंह लांबा के फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर भी हलचल मच गिल बा। एह फिल्म के शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जवान से भी प्रतिस्पर्धा के सामना करे के पड़ल बा। तबहू फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर भारी कलेक्शन बना रहल बा। फुकरे 3 के 8.82 करोड़ रुपया के साथ मजबूत ओपनिंग रहल। एकरा संगे फिल्म के दूसरा दिन शुक्रवार के 7.81 करोड़ रुपया के कलेक्शन भइल। शनिवार के तीसरका दिन 11.67 करोड़ रुपया के शानदार कलेक्शन कैले रहे।
जवना में 49.42% के उछाल आयल रहे। अब फिल्म के रिलीज के चौथा दिन यानी इतवार के कमाई शुरुआती आंकड़ा आ गईल बा। सेकंडिल्क के हर शुरुआती ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फुकरे 3 के रिलीज के चौथा दिन इतवार के 15.25 करोड़ के कलेक्शन भयल बा अबूरी। आज यानी सोमवार के अब तक 12 करोड़ के संग्रह भयल बा। फुकरे 3 साल 2023 में भी रिलीज हो रहल बा। एगो औरी सुपर डुपर हिट फिल्म बनल बा। फिल्म अबले 50 करोड़ से अधिका कमा के सबका के हैरान कर दिहले बिया। यहाँ तक कि इतवार का दिने बॉक्स ऑफिस पर राज करे वाला जवान के कलेक्शन के पीछे छोड़ गिली फिल्म। उम्मीद बा कि ई फिल्म भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाई। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गई। हमनी के ई कंटेंट किसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल है फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखिए जा।